का दोस्तों, मुझसे बहुत लोगों ने इस बात सवाल किया है, क्या किस्मत के ऊपर, किस डेस्टिनी के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत टफ क्वेश्चन है। चलिए इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट ज़रूर है कि सब्सक्राइब का बटन अगर क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक करें। देखिए, मान लीजिए आज आपने, आपके मन में इच्छा उठी है कि मैं एक पेड़, आम का पेड़ लगाऊं। अब इस इच्छा के साथ आपने एक माइंड में प्लान है कि आज से 5 साल 6 साल बाद मुझे आम के पेड़ से फसल मिलनी शुरू हो जाएगी। एक इंटेंशन भी बन गई, एक प्लान भी बन गया, ठीक है। आपने पेड़ लगा दिया, बीज बो दिया ज़मीन में, आप उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया, आपने हार्ड वर्क किया, उसको पूरा ऊपर टाइम दिया। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई और वो जो पौधा आपने लगाया था एक इंटेंशन के साथ, वो डिस्ट्रॉय हो गया और आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब आप कहेंगे, यहाँ तो डेस्टिनी का मेरे साथ क्या कर दिया। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है और उस कर्म को सही तरीके से करना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। उसके जो रिज़ल्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनी के हाथ में है कि वो हमें उसका क्या रिज़ल्ट देगी। हम डेस्टिनी के सामने जितना मर्जी रोएं, गिड़गिड़ाएं, खून के आंसू भी रो लें, तो भी डेस्टिनी का रूल इतना सख्त है कि वो आपके अपने कर्मों के हिसाब से वो क्या नियम चलाकर आपको रिजल्ट दे रही है, ये कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं कह सकता। आपके हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क है, कर्म करने की पावर है। माइंड में पॉजिटिविटी लेकर आप कर्म करते हैं और डेस्टिनी आपको उसका रिजल्ट देती है। तो उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी। धन्यवाद।